शनिवार का दिन हो और लालू प्रसाद यादव से जुड़ी खबर नहीं हो, ऐसा शायद ही हो सकता है, खासकर जब झारखंड में चुनाव हो। हालांकि हर शनिवार को बिहार के नेता लालू से मिलने जरूर रिम्स आते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में कई नेता लालू से मिलकर बाहर आए तो अपनी बात मीडिया के सामने रखी। का बेलहर से नवनिर्वाचित विधायक रामदेव यादव लालू यादव से मुलाकात कर निकले। इस दौरान लालू यादव से हुए बातचीत को साझा करते हुए कहा कि लालू यादव का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए यहां आया था। साथ ही चुनाव जीतने के बाद उनसे मुलाकात हुई थी, इस कारण भी मैं उनसे आज मुलाकात करने आया हूं। लालू यादव का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि लालू यादव को जान से मारने की सरकार साजिश रच रही है, क्योंकि वे जानती है कि जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। कह रहे हैं भेदभाव बरता जा रहा है इनके साथ, इनको मारने की साजिश हो रही है। सरकार चाहती है कि गरीबों के जो ये बोली देने वाले लोग हैं, गरीब के जो मसीहा हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, हम लोग का राज रहेगा और उनका बड़े जगह में होना चाहिए, एम्स में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए। स्वास्थ्य क्या बात, देखिए ये जो भारत सरकार है और जो बिहार सरकार है, जो भी बीजेपी की सरकार है, वह जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी जब तक जिंदा रहेंगे और जेल से बाहर यदि आ जाएंगे तो हम लोग का खटिया खड़ी हो जाएगी और लालू जी को बंद करके रखो और शासन करो। इससे पहले बीजेपी सिवान के MLC टुन्ना जी पांडे लालू यादव से रिम्स के पेइंग वार्ड में मुलाकात की। लालू यादव से बहुत ही अल्प अवधि में मुलाकात में टुन्ना जी पांडे बाहर निकले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू जी से मेरी व्यक्तिगत संबंध रही है और उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इन्हीं कारणों से मैं उनसे मुलाकात करने आया था। अपना व्यक्तिगत काम से कुछ आए हुए थे, लालू जी हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध बहुत पहले से होता है, राजनीति आने के बहुत पहले से लालू जी के परिवार से हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है, तबियत अस्वस्थ था, थोड़ा हाल चाल जाने आ गए कारण उनसे व्यक्तिगत हमारा पर्सनल संबंध राजनीति में आने के बहुत पहले से है, उनके परिवार से हमारा घर सिवान उनका गोपालगंज, हम 10 साल नौकरी किए हैं गोपालगंज उन्हीं के थाने की है, इसीलिए हमसे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है। दरअसल हमें पता लगा रही अस्वस्थ है, तबियत खराब है। बहरहाल चुनाव में लालू यादव की भूमिका काफी अहम रहती है, लेकिन इस बार सजा के दौरान रिम्स में इलाज करा रहे लालू यादव अपने पूरे रंग में नहीं दिखाई पड़ रहे। इसके बाद भी लालू की भूमिका कहीं न कहीं चुनाव में दिखाई पड़ ही जाती है। अब देखना यह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लालू किस तरीके से अपनी पार्टी और गठबंधन में भूमिका निभा पाते हैं। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।